गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तो आज डिस्कस करेंगे इम्यूनिटी. ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, एनी टॉक्सिन्स विच एंटरिंग इन द बॉडी. एक्चुअली इम्यूनिटी इज द डिजीज रेजिस्टेंस. डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? इम्यूनिटी. तो जो भी फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी में एंटर करेगा उसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करेगी हमें. ओके, और इसका अपोजिट क्या होता है? इम्यूनिटी का अपोजिट होता है ससेप्टेबिलिटी. ओके, तो इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप. नंबर वन, इननेट इम्यूनिटी, एंड नंबर टू, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी? इननेट इम्यूनिटी द इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी बाय बर्थ. जो बर्थ से प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं? इननेट इम्यूनिटी. और जो बर्थ के बाद अपीयर होती है दैट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अदर नेम ऑफ इननेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी. सो व्हाई इट इज नॉन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी? इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ये जो इम्यूनिटी होती है इननेट इम्यूनिटी, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, या और कोई पैथोजन हो, सबके साथ एक जैसी होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता. यानी इट इज सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ पैथोजन. तो सबके लिए समान होती है, स्पेसिफिक नहीं होती. यानी पैथोजन की स्पेसिफिक नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक. और ये होती है स्पेसिफिक. पैथोजन स्पेसिफिक होती है, यानी ये बैक्टीरिया के लिए अलग होएगी, वायरस के लिए अलग होएगी, और कोई पैथोजन है तो उसके लिए डिफरेंट होएगी. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पेसिफिक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द दिस इननेट इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स. ये दो टाइप की होती है, एक्सटर्नल डिफेंस एंड इंटरनल डिफेंस. एक्सटर्नल डिफेंस, एक्सटर्नल डिफेंस में जो डिफेंस भगवान ने हमें बर्थ से दिए हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डिफेंस. तो एक्सटर्नल डिफेंस में दो टाइप के आते हैं, फिजिकल बैरियर एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में फिर दो टाइप के होते हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में. इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी. तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी पैथोजन हो जो कि हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो सबसे पहले प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? स्किन. ओके, तो इस फिजिकल बैरियर को क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर को क्या कहते हैं? सॉरी, इंटरनल डिफेंस को क्या कहते हैं? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. एंड एक्सटर्नल डिफेंस को कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. तो फिजिकल में मैंने बताया स्किन. तो स्किन कैसे प्रोटेक्ट करती है? स्किन का अगर कट सेक्शन देखें, स्किन की अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें दो लेयर होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस. आउटर मोस्ट कौन सी होती है? एपिडर्मिस. और उसके बाद कौन सी आएगी? डर्मिस. एपिडर्मिस इज फर्दर डिवाइडेड, उसमें फिर लेयर होती है. तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? स्ट्रेटम कॉर्नियम. तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो लेयर होती है वो बिल्कुल टफ होती है एकदम. तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या करेगा? बैक्टीरिया को अंदर एंटर होने से प्रोटेक्ट करेगा, यानी उसको रिपेल करेगा, अंदर नहीं जाने देगा. तो स्किन हमें इस तरीके से प्रोटेक्ट करती है. अब आता है म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में? जो भी होलो ऑर्गन होते हैं. होलो ऑर्गन कौन कौन से हैं? लाइक रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक. ठीक है, तो जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है,
उसमें क्या होगा, जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर एंटर करेगा तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, म्यूकस सीक्रेट करेगी, और म्यूकस क्या करेगा, इस फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेगा, यानी पकड़ लेगा, पकड़ के या तो इसे मुंह के थ्रू बाहर निकाल देगा, या फिर इट विल एंटर इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा फेरिंग्स के थ्रू और फीसेस के साथ बाहर निकल जाएगा। तो म्यूकस मेम्ब्रेन किस में आती है, फिजिकल बेरियर में। तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ कम टू द फिजियोलॉजिकल बेरियर। फिजियोलॉजिकल बेरियर में जनरली कौन कौन से आते हैं, जैसे ईयर वैक्स। तो ईयर वैक्स हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे ईयर में एंटर करेगा तो ये वैक्स क्या करेगा, उसको ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा, ओके, या फिर ये उसको रिपेल करेगा। कोई भी इंसेक्ट अगर है, अगर ईयर में एंटर करता है तो उसको रिपेल करता है, ओके, तो इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही नेजल हेयर, नाक में जो हेयर होते हैं वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हमें, दे एक्ट एज ए फिल्टर, फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं और क्या करेंगे, फॉरेन पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को ये क्या करेंगे, ट्रैप कर लेंगे और अल्टीमेटली दे विल कम आउट, ओके। ऐसे स्टोमक, स्टोमक में क्या सीक्रेशन निकलता है, एससीएल। तो एससीएल क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये क्या करता है, फॉरेन पार्टिकल को किल कर देता, ओके। बाइल, बाइल क्या करेगा, फॉरेन पार्टिकल की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है, तो रिटार्ड कर देता है इसकी ग्रोथ को, इस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम कहाँ का प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ओके, तो ये लाइसोजाइम किस तरीके से एक्ट करता है, तो लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। किल कैसे करता है, इट डिसॉल्व द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर देगा, डिसॉल्व कर देगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया अल्टीमेटली विल डाई, ओके, तो इस तरीके से लाइसोजाइम प्रोटेक्ट करेगा। सेबम, सेबम कैसे सीक्रेट होता है, सेबेशियस ग्लैंड से, तो ये सेबम क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है हमारी स्किन के चारों ओर, और ये एंट्री को रोकता है, फॉरेन पार्टिकल की एंट्री को रोकेगा, ओके। वेजाइनल सिक्रीशन, वेजाइनल सिक्रीशन क्या होता है, इसकी पीएच क्या होती है, एसिडिक होता है, तो ये एसिडिक होने से क्या करता है कि अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगा बैक्टीरिया वायरस इनके अगेंस्ट, ठीक है, तो इस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। यूरिन क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल होता है उसको वॉश आउट कर देता है, वॉश करके बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये सब किस में आते हैं, फिजियोलॉजिकल बेरियर। तो अपने कौन से पढ़े, एक्सटर्नल डिफेंस, जिनको क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नाउ इंटरनल डिफेंस, इंटरनल डिफेंस को और क्या बोलते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो इंटरनल डिफेंस में कौन कौन से आएंगे, सेलुलर बेरियर्स एंड साइटोकाइंस। सेलुलर बेरियर्स, कौन कौन सी सेल होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स में भी पर्टिकुलरली पीएमएनएल एंड मोनोसाइट। पीएमएनएल का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। इनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट क्यों कहते हैं, बिकॉज इनका जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, मल्टी लोब्ड होता है, उसमें 2 से 5 लोब में डिवाइडेड होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट। तो ये कैसे प्रोटेक्ट करेगी हमें, तो ये प्रोटेक्ट करती है, बेसिकली पीएमएनएल जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादातर ब्लड वेसल में सर्कुलेट होती रहती है, तो ये कैपिलरी में सर्कुलेट हो रही है पीएमएनएल। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल, सपोज बैक्टीरिया एंटर कर रहा हमारी बॉडी, तो बैक्टीरिया जैसे ही एंटर करेगा ये पीएमएनएल क्या करेगी, कैपिलरी से बाहर निकल के रिस के बाहर आ जाए, तो रिस के बाहर आने को क्या कहते हैं, स्क्वीज होने को क्या कहते हैं, डाइपेडेसिस। स्क्वीजिंग ऑफ दिस पीएमएनएल इज नोन एज डाइपेडेसिस, ओके। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है डाइपेडेसिस क्या होता है, डाइपेडेसिस इज स्क्वीजिंग ऑफ पीएमएनएल फ्रॉम द कैपिलरी,
ओके, तो बाहर निकल गई, बाहर निकल के क्या करेगी, इस फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेगी, पकड़ लेगी, ट्रैप करके फिर इसको इंजेस्ट अंदर ले जाएगी, अंदर ले जाके क्या करेगी, इसको डाइजेस्ट कर जाएगी। तो सबसे पहले डाइपरडेसिस करेगी, उसके बाद में इसको ट्रैप करेगी, ट्रैप करने के बाद इंजेस्ट करेगी, अंदर ले लेगी, अंदर लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करेगी। तो दिस ऑल इवेंट, इस इवेंट को क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। ओके, तो पीएमएनएल और मोनोसाइट दोनों कैसे प्रोटेक्ट करती है, फेगोसाइटोसिस का। तो मोनोसाइट जो होती है वो इस तरीके की दिखती है, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये मोनोसाइट है, तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है इट इज किडनी शेप, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, किडनी शेप होता है, और ये लार्जेस्ट होती है सारी ब्लड सेल्स। ठीक है, तो मोनोसाइट भी कैसे प्रोटेक्ट करेगी फॉरेन पार्टिकल से, सेम प्रोसीजर है फेगोसाइटोसिस करके। ठीक है, नाउ कम टू द एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। ओके, तो नेचुरल किलर सेल भी बेसिकली सॉरी, ये मैंने मैक्रोफेजेस नहीं बताए, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज भी एक तरीके की क्या है, मोनोसाइट ही। तो मैक्रोफेजेस जो होती है अपनी बॉडी में वो किससे डेवलप होती है, मोनोसाइट्स। तो मैक्रोफेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप की होती है, एक तो जो टिश्यू में सर्कुलेट करती रहती है ना, और दूसरी होती है जो किसी ऑर्गन में जाके वहाँ पे रिजाइड करती है, वहाँ जाके रहती है। ठीक है, तो दो टाइप की मैक्रोफेजेस होती है, वांडरिंग मैक्रोफेजेस एंड टिश्यू स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो ये मैक्रोफेजेस प्रोटेक्ट करेगी, ये स्ट्रक्चर है इसका मैक्रोफेज का, बेसिकली इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, अमेबॉइड होती है। ठीक है, तो अब ये ऑर्गन में बेसिकली कौन कौन सी होती है, माइक्रोग्लियल सेल्स, इनको नाम अलग अलग दिया है, माइक्रोग्लियल सेल्स, पल्मोनरी एल्वियोलर सेल्स, कफर सेल्स। ठीक है, तो माइक्रोग्लियल सेल्स कहाँ होती है, दीज आर प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में प्रेजेंट होती है, जो प्रोटेक्ट करेगी फॉरेन पार्टिकल से। पल्मोनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस कहाँ प्रेजेंट होती है, लंग्स में। कफर सेल यू वेरी वेल नोज, अच्छी तरह जानते हो, कफर सेल कहाँ होती है, लीवर में प्रेजेंट होती है, ये भी प्रोटेक्ट करती है। ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स, दीज आर प्रेजेंट इन द किडनी, तो ये भी प्रोटेक्ट करेगी। हिस्टियोसाइट्स, दीज मैक्रोफेजेस प्रेजेंट इन द टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। ओके, ऑस्टियोक्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट तो प्रेजेंट होती है बोन्स में, और कॉन्ड्रियोक्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होती है, कार्टिलेजेस में। तो ये सब किसके टाइप है, मैक्रोफेजेस की। मैक्रोफेजेस भी कौन सी, फिक्स वाली, वांडरिंग नहीं, फिक्स वाली, तो ये प्रोटेक्ट करेगी फेगोसाइटोसिस करके। ओके, नाउ कम टू द एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। ये नेचुरल किलर सेल कैसे प्रोटेक्ट करी, नेचुरल किलर सेल जो होती है वो कैसे प्रोटेक्ट करती है, ये बेसिकली क्या करती है, जो अपनी जो मान लो कि फॉरेन पार्टिकल कोई बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की ये सेल वॉल में क्या करेगी, पोर क्रिएट कर देगी, एक छेद बना देगी। अब छेद बना देगी तो क्या होगा कि इस पैथोजन के अंदर लिक्विड एंटर कर जाएगा, लिक्विड एंटर कर जाएगा तो क्या होगा, ये स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी, फूलने से क्या होगा, अल्टीमेटली बस्ट हो जाएगी और किल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये एनके सेल एक्ट करती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ 30 प्रोटीन, 30 प्रोटीन का ग्रुप होता है, विच इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है ये, और ये भी कैसे प्रोटेक्ट करेगा, ये भी सेम जैसे एनके सेल प्रोटेक्ट करती है, पोर्स क्रिएट कर देगी पैथोजन की मेम्ब्रेन में, पोर्स क्रिएट करने से क्या होगा, पैथोजन अल्टीमेटली लाइसिस हो जाएगा उसका। ओके, नाउ कम टू द इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन और फीवर ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। तो हाउ इन्फ्लामेशन प्रोटेक्ट अस,
तो इन्फ्लामेशन कैसे प्रोटेक्ट करता है? जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल, आइदर इट इज़ पैथोजन और एनी टॉक्सिन, या फिर कोई भी हमारी बॉडी में एब्रेजन हो जाता है, एब्रेजन मीन्स चोट लग गई या कुछ भी होगा, तो क्या होता है उस जगह, क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये स्वेलिंग क्यों होती है? ये स्वेलिंग होने का कारण क्या है? हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन कौन रिलीज करता है? हिस्टामिन इज रिलीज बाय द मास्ट सेल। जो मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल क्या करेगी, हिस्टामिन रिलीज करती है। तो हिस्टामिन क्या करता है, ये स्वेलिंग क्रिएट कर देगा। तो ये स्वेलिंग, स्वेलिंग को क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन भी हमें प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसको, एक तो ये इस इन्फ्लेम्ड एरिया में आने से रोकेगा, दूसरा जो पास का टिश्यू है, इस इन्फ्लेम्ड एरिया के नियर बाय जो टिश्यू है उसको भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन हमारे लिए प्रोटेक्टिव होती है। और हिस्टामिन से क्या होगा, स्वेलिंग तो होगी होगी, उसके साथ में टेम्परेचर राइज हो जाएगा उस एरिया का, रेडनेस क्रिएट होगी और पेन हो। ठीक है, तो ये सब किसके करेक्टरिस्टिक है, इन्फ्लामेशन। और इन्फ्लामेशन हमारे लिए प्रोटेक्टिव होता है। फीवर, ये भी हमें बचाता है फॉरेन पार्टिकल। तो फीवर क्यों होगा? फीवर बेसिकली टेम्परेचर क्यों राइज होता है? टेम्परेचर राइज होने का कारण क्या होता है? एक तो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे पैथोजन्स। पैथोजन क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाके टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। तो टॉक्सिन से क्या होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा। और इस पैथोजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो मैक्रोफेजेस हैं, वो मैक्रोफेजेस भी क्या करेगी, पायरोजन सीक्रीट करेगी। तो पायरोजन सीक्रीट हुआ मैक्रोफेज से, और टेम्परेचर राइज हुआ किससे, जो पैथोजन एंटर हुआ। और जो मैक्रोफेज से पायरोजन सीक्रीट होगा वो भी क्या करेगा, वो भी टेम्परेचर राइज करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी ब्रेन में थर्मोस्टेट एक्टिवेट हो जाएगा, और थर्मोस्टेट क्या करेगा, हमारा बॉडी का ओवरऑल टेम्परेचर राइज कर देगा। तो टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होने से रुक जाएगा। ठीक है, एंटर नहीं होगा हमारी बॉडी में, ओके। लेकिन अगर हाई ग्रेड फीवर हो जाता है देन इट इज डेंजरस। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है तो डेंजरस होता है। उस कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक लेके इस टेम्परेचर को ब्रेक डाउन करना चाहिए। ठीक है, नाउ तो हमने क्या पढ़े, ये सेलुलर बैरियर। ये सेलुलर बैरियर किस में आएंगे, इंटरनल डिफेंस में, सेकंड लाइन डिफेंस में। अब आते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं। प्रोटीन हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, बेसिकली जो इम्यून सेल होती है, इम्यून सेल के मैसेंजर को, इम्यून सेल का मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। तो साइटोकाइंस हमें किससे प्रोटेक्ट करेंगे, वायरस से। वायरस स्पेसिफिक होते हैं, ये वायरस से प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी अलग अलग होते हैं, इंटरल्यूकिंस, इसको शॉर्ट में एब्रिवेशन IL भी लिखते हैं इसको। तो इंटरल्यूकिन, ये इसको कौन बनाता है, ल्यूकोसाइट्स, ओके। लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस बाय लिम्फोसाइट्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंड इंटरफेरेंस। तो ये इंटरफेरेंस को क्या कहते हैं, IFN। तो ये सब हमें किससे प्रोटेक्ट करेंगे, वायरस। जो सेल अफेक्टेड हो गई वायरस से वो तो हो ही गई, उसके अलावा जो इसकी पास की सेल है, अनअफेक्टेड सेल है, उसको भी बचाएगा वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो साइटोकाइंस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वायरस, ओके। और ये सब क्या होते हैं, ये तो पैथोजन इस बैक्टीरिया वगैरह इनके अगेंस्ट एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने कौन सी इम्यूनिटी पढ़ी, इननेट इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ, यानी इनहेरिटेड होती है हमें पेरेंट्स से प्रोजेनी। ठीक है,
बाय बर्थ प्रेजेंट होती है. एक्वायर्ड इज फर्दर डिवाइडेड इंटू एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम. आई विल टीच यू इन अनदर लेक्चर. नाउ प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और एनी सजेशन एंड क्वेरी योर मोस्ट वेलकम. कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जाके. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ. ओके, बाय बाय.